Assalamualaikum, welcome back to brand new vlog. उम्मीद है आप सब खैर से ठीक ठाक बेहतरीन होंगे। सो गाइज, आप अपने भाई के चेहरे पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट देख रहे होंगे, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस एक्साइटमेंट का रीज़न बताते हैं आपको पहले कि भाई लोग अपनी बीमर BMW का काम आज स्टार्ट हो रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैंने फ़ोन किया मैकेनिक साहब को, मैंने कहा हो सकता है आज मेरा फ़ोन उठाए। भाई आपका फुल मूड में था कि आज भाई साहब ना काम स्टार्ट हुआ कुछ ना लगे कसम गाड़ी उठा लेनी है आज, अल्लाह की कसम तू खत्म है, घर लेंगे, घर लाके खड़ी कर दूँ। तीन चार हफ्ते हो गए, कभी एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप, कभी गाड़ी का कोई मसला आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। बैटरी का इशू था, वो भी रिजॉल्व अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मैकेनिक साहब को कॉल की, वो कहते हैं कि जनाब अवैस मुगल साहब आपकी गाड़ी का काम स्टार्ट करने लगे। मुझे इतनी खुशी, मैंने एक तो वो बंदा बोला है, बोलता ही नहीं भाई साहब बंदा ऐसा, और ऊपर से नाम लेके कह रहे थे काम सारा। मैं सर मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, कहते सर आप आ जाए तो हम चलते हैं, हम मतलब मैं और खैर मामला कुछ फिर इस तरह भाई लोग के निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और आप लोगों को बताता चलूँ, भाई आपने बड़ी कोशिश की है शलवार कमीज पहनी है, भाई जान मौसम इतना गंदा हो रहा है, शलवार कमीज पहनी दिल के काट के फाड़ के उतारो। तौबा, पैंट शर्ट पहनी वो भी मैंने उतार दो भाई, तो जिसमें हम अपने कंफर्ट जोन में चप्पलियां चढ़ाएंगे इस पे ही निकलते हैं। तो चले चलिए इस तरह नहीं, कैसे थोड़ी सी एक्साइटमेंट है ना भाई लोग, तो थोड़ी सी खुशी तो दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून और आपको अपडेट वर्कशॉप जाके दिखा देते हैं। अपने फ्रेंड शिरोज के घर पहुंच गए और भाई की गाड़ी निकलवा रहे हैं। तो भाई जी बहुत गर्मी है, निकलते हैं, AC ऑन करा दिए। तो जी फ्रेश, यहाँ पे शिरोज साहब ने हमारे लिए क्रोसॉन लिया है चॉकलेट फ्लेवर में, इसको मंडते हैं और फिर रास्ते को मंडते हैं निकलते हैं। ओ माशाल्लाह जी, गाड़ी आ गई अपनी रैंप पे। आए मजे आए। इंजन का काम चालू है। मैं तो बोनट निकाला है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर जी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी रैंप पे आ चुकी है। बकौल इनके कि इंशाल्लाह ताला कल गाड़ी की कोई शक्ल निकल आएगी अगर आज काम शुरू किया। वैसे तो वो जाहिद भाई जो गाड़ी का काम कर रहे थे वो फिलहाल शॉप पे भी मौजूद नहीं है, कोई और गाड़ी लेके गए हैं कहीं पे, यहाँ पे इंतज़ार तो नहीं कर सकते। तो उसके साथ ही हम भी निकलते हैं और देखते हैं कुछ और मामला अपने निबेटते हैं। ये टर्बो के अंदर तेल गया है जनाब, और ये गैस लीक भी अच्छा खासा है उसकी आप सूरत हाल देख रहे हैं। और ये इसकी कोई पुली कह रहे हैं निकाली है, मेन पुली है। अब ये पता नहीं यहाँ से कहाँ से, चलो अल्लाह करे यार अब अच्छी हो जाए भाई, मेहरबानी करना। रात का समा छाया हुआ है तो अभी खैर निकले हैं हम लोग मतलब मैं और आप। तो जनाब एक दो बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। आपका भाई इस नतीजे पे पहुंचा है, बीमर पे अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, पैसे लग रहे हैं जो अभी आप लोगों के सामने है, और अभी मजीद बहुत पैसा लगने, इससे डबल उसके ऊपर पैसा लगने। बंद गाड़ी में बैठ के भाई जान ऐसा मजा आता ना। जर्मन है ऑब्वियसली लग्जरी कार है, लग्जरी की आपको पता है उसके थोड़े से अलग ही टोर तरीके हैं, थोड़े से नखरे भी होते हैं। तो सीन इस तरह है कि दोनों गाड़ियों को साथ लेके चलना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ उस गाड़ी को देखूँ या सिर्फ इस गाड़ी को देखूँ। और आपके भाई को चल रहा है कि जो भी गाड़ी आपका भाई चला रहा होता ना वो जरा अपने तरीके की हो, अपने मुताबिक थोड़ी सी गाड़ी बनाए, एवरेज गाड़ी नहीं रखते, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर, क्योंकि मज़ा आता है गाड़ी में थोड़ा सा अपनी मर्जी के काम काज हुए हो तो आपका दिल लगता है, तो आपको चलाने का ड्राइव का वो प्लेयर आता है कि भाई जी हम अपनी कोई चीज़ चला रहे हैं। गाड़ी को प्यार मोहब्बत से रखते हैं, और वो आपका भाई अभी तक इसको भी नहीं सही से रख सका,
यकीन माने इतने शौक है, इतने प्लान्स हैं इस गाड़ी को लेके। आप लोगों के साथ मैंने शुरू के व्लॉग्स में काफ़ी शेयर किया हुआ है, तो वो भी पूरे नहीं हुए। अल्लाह जाने क्यों नहीं हुए, थोड़े से प्लान नहीं बने, थोड़े से क्या नाम है, एग्जीक्यूट ही नहीं कर सके उस तरीके से, क्योंकि और बड़ी फटीकें चलती नहीं है लाइफ में। तो अभी ये सोचा था कि बीमर भी रखूँ और इस गाड़ी को भी रखूँ, फिर मैंने इरादा बनाया कि एक चीज़ रखूँ, क्योंकि बीवी बच्चे वाले बंदे हैं भाई जान, या गाड़ियाँ रख लूँगा या फैमिली को लेकर चल लूँगा। तो फैसला ये किया कि भाई ने मुश्किल फैसला किया कि सिविक तो रोड पे बहुत सारी है, सिविक चलती है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर बना लेंगे, फिर हो जाएगा। तो बीमर अभी जो होते चढ़ी है, और मेन बात ये बीमर भी बहुत है, बंदा लेने को फिर ले लेते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि इस गाड़ी पर अब इतना पैसा लगाने के बावजूद मैं गाड़ी को ना यूज़ करूँ, ना उसको उसके पैसे पूरे करूँ, तो अपने लिए भी दुख वाली बात है। इरादा ये बनाए कि सिविक के आजकल रेट शेट भी चढ़े हैं डॉलर की वजह से, गाड़ी को अच्छी प्राइस में, अगर ऐसी प्राइस में सेल होती है गाड़ी, सेल कर दूँ सिविक अपनी ये चेती अपनी ये लारी। अभी से मिस करना शुरू हो गए, तो इस वजह से किस भी कर दिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, यार कि ये गाड़ी सेल करते हैं थोड़ा सा हाथ भी खुल जाएगा, फिर बीमर पे आएंगे, बीमर पे खुल के पैसे लगाएंगे, उसको मजीद सेट करेंगे, उसको यम पम करेंगे, कि उस पर फुल ऑन व्लॉगिंग भी चल रही होगी, और बड़े प्लान है उसके लिए भी। एक तो छोटी गाड़ी घर के लिए ले लेंगे, छोटी से मुराद छोटी मतलब हैचबैक, जैपनीज कोई 660 या 1200 सीसी जो होती है। और बाकी खैर बात की थी आप लोगों से पार्टी की, तो बॉयज़ की गैदरिंग है दोस्त की तरफ बैठेंगे। ये भाई जी निज़ाम अपना उठा लिया, गाड़ी गंदी हुई है, तो गाड़ी अब एक दफ़ा सफाइयाँ डिटेलिंग करा के जो है इसको हेड शेड लगाएंगे, फिर सुबह में इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं कि गाड़ी की क्या सूरत हाल बनती है। स्टे ट्यून। यहाँ पे भाई लोग आज पैदल वॉक करते हुए जा रहे हैं कि कुछ खाना पीना करेंगे, जाके ज़रा पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, मोबाइल हाथ में, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करे, बच गया तो ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा। खापा चलाते हैं, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, पार्टनर भाई हमारे वो भी निकल रहे हैं, हम भी निकलेंगे, तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को, और आपका भाई अभी घर जाएगा और सोएगा 17 सा, फिर उठ के इंशाल्लाह एक आध काम है। आज सोच रहा हूँ कि जो सिविक का बम्पर है वो भी पेंट शीट करा लिया जाए। जाफर जी ये वाली शॉप है, तो जी वेलकम टू सेम ब्लॉग नेक्स्ट डे। तो फिर लोग आए जी काम से, वो करते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं। इंजन नंबर लिख लेना, पर्ची दे देना, चौका लिख दो ना, खाली इधर ये इंजन में पर्ची तो आप बना देंगे ना सारा, ताकि वो स्मार्ट कार्ड में चला दे, वो इनको पता होगा। मैं भैया ये ना चौका कल सारे पे चीज चाहिए, नहीं वो तो मसला नहीं है, इतने दिन लगे एक आध दिनों से। तो उस लिहाज से बस